हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं मुझे इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है, मुझे मैथ्स बनाने में दिक्कत आती है, उसे गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है, उसे कंप्यूटर चलाने में दिक्कत आती है, तो किसी को कोई काम करने में दिक्कत आती है, या नहीं तो मुझे ड्राइविंग करने में दिक्कत आई, या मुझे कंप्यूटर चलाने में दिक्कत आ रहा है। जिस स्ट्रक्चर को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसमें सिर्फ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके किसी भी टेंस में सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। तो आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर की। हम लोगों ने यहाँ पर लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस। इसके लिए सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, कोई भी टेंस हो उसके अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब लगाइए, बिकॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब नहीं राइट करेंगे। उसके बाद हम लोग लगाएंगे फाइंड। अब यहाँ पर जो वर्ब है फाइंड जो है टेंसेस के अकॉर्डिंग टू बदलेगा। फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग, फाइंड भी हो सकता है, गॉट इट। उसके बाद हम लोग लगाएंगे इट डिफिकल्ट। इट डिफिकल्ट को राइट करने के बाद हम लोग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। स्ट्रक्चर हम लोगों को इजिली से कम्प्लीट हो चुका है। इसको बेटर तरीके समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, मुझे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत आती है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। अगर बोलना सेंटेंस ऐसे, मुझे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत आ रही है, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। आई एम को शॉर्ट में आई एम पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे कंप्यूटर चलाने में दिक्कत आती है, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे सी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू ऑपरेट द कंप्यूटर। सी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू ऑपरेट द कंप्यूटर। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे लड़कियों से बात करने में दिक्कत आ रहा है, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू टॉक टू गर्ल्स। ही इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू टॉक टू गर्ल्स। हे गाइज, इसे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टैप पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। वेल, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। फर्स्ट, लेट मी रीड सम सेंटेंसेस। मेरा कोई जवाब नहीं, आपका कोई जवाब नहीं, मेरे पापा का कोई जवाब नहीं, तुम्हारे दिमाग का कोई जवाब नहीं। तो सामने वाले की क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, या खुद की तारीफ कर रहे हैं, या किसी और की तारीफ कर रहे हैं। यहाँ सभी पर एक्सक्लेमेशन का मार्क आएगा, वो बाय मिस्टेक वो मार्क्स लग गया है। तो इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज या हैव। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल आएगा तो हैव आएगा। यदि आपका सब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर नाउन हो तो हैज आएगा। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा नो मैच। नो मैच का मतलब होता है कोई जवाब नहीं, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क को राइट करेंगे। अब इसको बेटर तरीके समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, मेरा कोई जवाब नहीं, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई हैव नो मैच। आई हैव नो मैच मीन्स मेरे जैसा और दूसरा कोई नहीं, इसका कहने का मतलब हुआ। आपका कोई जवाब नहीं, कहने का मतलब है आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है इस संसार में। तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं यू हैव नो मैच। यू हैव नो मैच। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पापा का तो कोई जवाब नहीं, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे माई डैड हैज नो मैच। माई डैड हैज नो मैच। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे दिमाग का कोई जवाब नहीं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा योर माइंड हैज नो मैच। योर माइंड हैज नो मैच। माइंड की जगह ब्रेन, सेंस, विजडम भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। सो दोस्तों, रिलेटेड दिस स्ट्रक्चर आई एम गिविंग योर सेंटेंस, प्लीज ट्रांसलेट इट एंड राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। गाइज, हाउ डिड यू फाइंड माई वीडियो? इफ यू रियली लाइक दिस, प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। Thanks for watching, friends.